जय हिंद दोस्तों, आज हम करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर टू से। पहला क्वेश्चन हमारा होगा पॉलीनोमियल का। एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज जीरोज आर 2/5 एंड -1/5, तो ये क्या होगा? तो ये हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो है रूट्स। तो रूट्स हमारे या जीरोज हम कहेंगे, अल्फा की वैल्यू 2/5, बीटा हमारा -1/5, ये हमारे जीरोज हैं जिन्हें हम रूट्स भी कहते हैं। सबसे पहला काम हम करेंगे सम निकालेंगे दोनों रूट्स का, जो होता है हमारा -b/a। लेकिन अभी हमें वैल्यूज गिवन है तो हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो सम आएगा वो हो जाएगा 1/5, जो -b/a के बराबर होता है। इससे हमें b और a की वैल्यू पता चलती है, b इज इक्वल टू -1 एंड a इज इक्वल टू 5। सिंपली a और b की वैल्यू हमें पता चल गई है, जो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है। नाउ प्रोडक्ट निकालेंगे हम दोनों जीरोज का, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का प्रोडक्ट हम करेंगे 2/5 इंटू -1/5, जो हमें मिलेगा -2/25। तो -2/25 हमारा होता है c/a, जो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है हमारा c/a। तो c की वैल्यू हो गई हमारी -2 और a की वैल्यू होगी हमारी 25। नाउ a की वैल्यू हमारी 25 और a की वैल्यू 5 फॉर सेम इक्वेशन, तो हम इसमें 25 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो a और b दोनों में करना होगा। तो a की वैल्यू हमारी 25, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू हमारी हो जाएगी -2। तो हमें तीनों वेरिएबल्स पता चल गए और हमें पता है जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की, ax2 + bx + c। नाउ वी विल पुट वैल्यू ऑफ a, b एंड c। a की वैल्यू 25 x2, देन b की वैल्यू -5x + c, c दैट इज -2। तो ये हमारी आ गई जनरल इक्वेशन जब हमें दो जीरोस गिवन है। तो ऑप्शन हमारा हो गया डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ बढ़ेंगे। अगर ये क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरा तरीका हम करेंगे इसका, एक और तरीका है हमारे पास जिससे आप इसको इजीली कर सकते हैं। अगर हमें सम और डिफरेंस गिवन है तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, x2 माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब हम इसमें जीरोज जो सम है और प्रोडक्ट है उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। सम हमें पता है 1/5 एंड प्रोडक्ट हमें मालूम है -2/5। अब सिंपली हमें डिनोमिनेटर हटाना है, और डिनोमिनेटर तभी हटाएंगे जब हमारा डिनोमिनेटर सबके नीचे सेम हो, मतलब हमें एलसीएम फाइंड करना है। इसके लिए हम करेंगे 25x2 -5x - 2। अब सभी का डिनोमिनेटर हमारा 25 है और यही हमारी रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब क्वेश्चन नंबर टू की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन टू में भी सेम हमें गिवन है, टू जीरोज। लेकिन इसमें आप याद रखिएगा, कभी भी हमें अगर सेम जीरोज गिवन है बट डिफरेंट इन साइन, तो इसको आप एक आसान तरीके से भी कर सकते हैं। पिछले मेथड से भी आप कर सकते हैं और ये जो हम तरीका बता रहे हैं इससे भी कर सकते हैं। अल्फा और बीटा हमें गिवन है +√5 एंड -√5। डायरेक्ट हम अल्फा बीटा हमारी एक्स की वैल्यूज ही हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं x - √5 एंड x + √5, क्योंकि ये हमारे फैक्टर हैं। जीरोज फैक्टर के बाद आते हैं, तो इन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें इक्वेशन फॉर्म, जो हमारा पॉलीनोमियल फॉर्म होगा वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ही होगा। और ये हमें आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं, a - b a + b, दैट इज a² - b², तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, x² - 5। अब ऑप्शन में देखते हैं x² - 5 कैसे आएगा। दूसरा तरीका भी हम कर लेते हैं जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, α + β 0 आ जाएगा, α × β जो कि हमारा -5 हो जाएगा, क्योंकि √5 × √5 becomes 5 और नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव। फिर सेम प्रोसेस x² - sum of 0 × x और +α β में अगर हम पुट करते हैं तो भी हमें सेम ही सॉल्यूशन मिलेगा। x² α + β हमारा 0 है और α β की वैल्यू है -5। तो इक्वेशन हमारी पॉलीनोमियल फॉर्म हुआ x² - 5। अब ऑप्शन में चेक करेंगे x² - 5 कहाँ पर है। तो x² - 5 हमारा c में है। इसमें हम अगर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई से पॉलीनोमियल पे कोई चेंज नहीं आता है, उसके रूट्स सेम ही रहेंगे। इसलिए पहला ऑप्शन नहीं है हमारा, दूसरा ऑप्शन नहीं है, चौथा ऑप्शन नहीं है, तीसरे ही ऑप्शन में हमें x² - 5 मिल रहा है, जिससे कि सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन थ्री की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन थ्री में हमें गिवन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल दिस इज 4, देन द वैल्यू ऑफ ए इज,
प्रोडक्ट मतलब अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट, ये हमें गिवन है 4, और अल्फा बीटा हमें मालूम है c बाई ए होता है। अल्फा बीटा का प्रोडक्ट होता है कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारी जनरल पॉलिनॉमियल होती है, इक्वेशन जनरल पॉलिनॉमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, तो हमसे इससे कंपेयर कर सकते हैं ए बी सी की वैल्यू। तो ए हमारा ए ही है, बी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू -6, इसे हम पुट कर लेते हैं तो ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी -3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू हमें मिलेगी -3/2, जो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो ए की वैल्यू हमारी आ गई -3/2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी बहुत इजी क्वेश्चन था ये, अगर हमें प्रोडक्ट गिवन है या सम गिवन है तो डायरेक्ट हम वो रिलेशन याद रखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल इज, अब सेम क्वेश्चन, उसमें हमें प्रोडक्ट गिवन था, इसमें हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो अल्फा बीटा सेम प्रोसेस, कॉन्स्टेंट टर्म सी अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 9/6, तो ये हमारा आंसर हो गया 3/2। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा आ गया 3/2। तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, दो सेम टाइप के क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, पी एक्स एक ग्राफ है जो वाई से रिप्रेजेंट किया गया है, इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज हमारा जो पॉलिनोमियल है वो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें देखना है एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ कितनी बार टकरा रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां पर 0 बार टकरा रहा है तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ कभी भी हम चेक करेंगे तो ग्राफ एक्स एक्सिस पर जितनी बार टकरा रहा है वही हमारा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स देन वैल्यू ऑफ ए क्या होगा। ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जब हमारा 2 एक 0 है, तो 0 है इसका मतलब पी 2 मतलब एक्स को अगर हम रिप्लेस कर दें 2 से तो हमारी जो ये सॉल्यूशन होगा वो 0 के बराबर होगा। तो अब हम इक्वेशन में इस पॉलिनोमियल में एक्स को रिप्लेस करते हैं 2 से, एक्स से हमें 2 को रिप्लेस करेंगे तो हम ए की वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो ये हम सॉल्व करते हैं 16+4-5a=0, तो ये हो जाएगा हमारा 20=5a, जिससे हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ए की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये इजी सॉल्यूशन है जब हमें एक 0 गिवन है और हमें कोई अननोन वेरिएबल निकालना हो तो हम उसकी वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं बाई जस्ट पुटिंग दैट वैल्यू इन दैट पॉलिनोमियल। सेवंथ क्वेश्चन बहुत इजी है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने, अभी हमने जैसा बताया ग्राफ अगर एक्स के रेस्पेक्ट में है तो वो एक्स एक्सिस पर कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ 1, 2 and 3 टाइम्स इट इज टचिंग द एक्स एक्सिस, तो इसके 3 सॉल्यूशन होंगे, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 में हमें गिवन है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स दैट इज 4x² + 3x + 7 देन वैल्यू ऑफ 1/α + 1/β। तो हम पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं। और हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ जीरोज, जो हमें पता है -b/a के बराबर होता है। माइनस बी, यहां बी हमारा 3 है तो ये हो जाएगा -3/4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज c/a विच इज 7/4, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा हो जाएगा 7/4। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे और हमें 1/α + 1/β की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अल्फा प्लस बीटा है हमारा -3/4 एंड अल्फा बीटा इज 7/4। इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, हमें मिलेगा सॉल्यूशन -3/7। तो 1/α + 1/β की वैल्यू होगी -3/7, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 में हमें कहा गया है हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन 3 is 3 a 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम क्वेश्चन अभी हमने करा था, x की वैल्यू हमें 3 गिवन है तो ये पॉलिनोमियल 2x² + x + k for 3 becomes 0। तो x की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे 3 से, तो x के प्लेस पर हम वैल्यू पुट करने वाले हैं 3 और इक्वेट करेंगे इसे 0 के बराबर। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 × 9 + 3 + k = 0। k को हम दूसरी तरफ भेज सकते हैं, माइनस k becomes 18 + 3 = -k,
नेगेटिव साइन को भी हम हटा सकते हैं, तो ये हो गया के की वैल्यू -21। सॉल्व करने के बाद हमें के की वैल्यू मिलती है -21, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 10। इन दिस क्वेश्चन विच ऑफ दीज आर द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, हमें जीरोज बताने हैं कौन से हैं। तो जीरोज के लिए सिंपली हमें फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। हमें चेक करना है 7 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम 7 हो और उनका प्रोडक्ट 12 हो। तो हमें पता है 7 के ऐसे दो फैक्टर 4 एंड 3। तो 4 प्लस 3 को अगर हम सम करेंगे तो 7 मिलेगा और 4 प्लस 4 इंटू 3 हमें 12 मिलेगा। अब हम इसको फैक्टर्स को पहले सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 को एक साथ कंबाइन, देन वी आर टेकिंग कॉमन फैक्टर्स, एक्स कॉमन एक्स प्लस 4 मिलेगा, देन 3 कॉमन, देन एक्स प्लस 4। हमेशा ये वैल्यू सेम मिलनी चाहिए, एक्स प्लस 4 हमारा कॉमन फैक्टर, एक्स प्लस 3 दूसरा कॉमन फैक्टर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 4 जीरो होगा और एक्स प्लस 3 जीरो होगा। तो एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी -4 और -3। तो एक्स की वैल्यू -4 एंड एक्स की वैल्यू -3। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया बोथ नेगेटिव वैल्यूज, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, बी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, -3 एंड -4 आर जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीनोमियल। तो पॉलीनोमियल के लिए आपको एक चीज समझनी होगी कि पॉलीनोमियल उन टर्म्स, उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को कहते हैं जिनकी पावर हमेशा पॉजिटिव हो या होल नंबर हो। तो पावर ऑफ वेरिएबल्स जो होंगे वो हमेशा कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव शुड बी पॉजिटिव, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव और होल नंबर। किसी भी वेरिएबल का अगर यूज करके हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाए, पॉलिनोमियल बनाया गया तो उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होगी या होल नंबर होगी। तो पहले ही ऑप्शन में हमें पावर नेगेटिव दिख रही है तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा, लेकिन हम चेक कर लेते हैं बाकी। सेकंड ऑप्शन में पावर होल नंबर्स में ही है, थर्ड ऑप्शन में पावर होल नंबर में, फोर्थ ऑप्शन में हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं जो हमारे कैंसिल हो जाएगा। तो हम टू कॉमन ले सकते हैं, टू कॉमन लिया तो हमें मिलेगा एक्स प्लस 5, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 5 एंड मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर -25। तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट हमारा रिमूव हो जाएगा, हमें मिलेगी एक सिंपल फॉर्म जिसमें हमारी पावर होल नंबर में ही होगी। तो 2x² -25 विच इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है नॉट ए पॉलिनोमियल। तो ये क्वेश्चंस पे भी आपको फोकस करना है, नॉट का वर्ड का यूज किया गया, नॉट मतलब पॉलिनोमियल नहीं है। तो नहीं है इसका मतलब हमें पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में देखना है। अगर पावर फ्रैक्शन में होती है, नेगेटिव होती है, तो हम उसे पॉलिनोमियल नहीं समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3 देन द वैल्यू ऑफ के। सेम क्वेश्चन, वैल्यू हमें एक्स की -3 पुट करनी है गिवन पॉलिनोमियल में। तो जहां भी एक्स हमें दिखेगा उसको रिप्लेस करेंगे हम विद -3 एंड विल इक्वेट इट इक्वल टू 0। और हम इक्वेट करेंगे 0 के बराबर वैल्यू एक्स की -3 रखने के बाद। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, के -1 -3 का स्क्वायर 9 -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 9k -9 -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व करने के बाद हमें सॉल्यूशन मिलेगा, वो मिलेगा 6k इज -8 इज इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 6k इज इक्वल टू 8, k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4/3, दैट इज 8/6, जिसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे 4/3। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया विच ऑफ दीज आर द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन है, एक्स एक्स माइनस 7 जिसके दोनों फैक्टर्स गिवन है। तो फैक्टर्स निकालने के लिए हमेशा हम अगर वैल्यूज निकालें तो इक्वेट करते हैं 0 के बराबर। तो x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 या x की वैल्यू 7, तो ये दोनों सॉल्यूशन हो सकते हैं हमारे गिवन पॉलिनोमियल के। तो 0 एंड 7 कैन बी बोथ द सॉल्यूशन और जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 14, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 6x² x² -5 रेस्पेक्टिवली आर। सेम क्वेश्चन,
इसको भी हम इजिली कर सकते हैं। सम और प्रोडक्ट हमने पहले ही क्वेश्चन से पढ़ा है कि सम हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा, लेकिन उससे पहले हम अरेंज कर लेते हैं इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म। 6x² b हमारा नहीं गिवन है कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज वी कैन टेक इट एज 0। अल्फा बीटा अगर हमारे जीरोज हैं तो इनका सम अल्फा प्लस बीटा हमें मालूम है ये होता है माइनस b बाय a, हियर b इज 0 और a हमारा कुछ भी हो अगर न्यूमरेटर 0 है तो अल्फा प्लस बीटा हमारा 0 आ जाएगा। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज इक्वल टू c बाय a और c की वैल्यू हमें गिवन है माइनस 5 एंड a इज 6, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा आ गया माइनस 5/6। और हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सम क्या है और प्रोडक्ट क्या है जीरोस का इन गिवन पॉलिनोमियल का, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी होगा हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 का। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 क्वेश्चन में कहा गया है द पॉलिनोमियल x²-k+6x+3 2k-1 हैज इट सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू 1/3 ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब हमें गिवन है सम ऑफ जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज 1/3 1/3 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज अल्फा बीटा, सिंपल। अब इसमें हमें वैल्यू पुट कर देनी है, जो कंडीशंस हमें रिलेशन मालूम होते हैं कोफिशियंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कॉन्स्टेंट विद सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ए की वैल्यू हमें 1 गिवन है, बी की वैल्यू हमें गिवन है माइनस के प्लस 6 एंड सी की वैल्यू हमें गिवन है 3 2k-1। इसे हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से तो ए बी सी की वैल्यू हमें फाइंड होगी। अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा हमारा होता है सी बाई ए, तो बी की वैल्यू और सी की वैल्यू और ए की वैल्यू हम पुट करके इजिली के की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो बी हमारा है के प्लस 6, माइनस में है और पहले से ही हमें माइनस मालूम है तो माइनस माइनस प्लस, तो k प्लस 6 डिवाइडेड बाई 1 एंड c की वैल्यू है 6k-3 अपॉन a और 1/3 क्योंकि ये हमें कंडीशन गिवन है तो इस कंडीशन का यूज करेंगे और सिंपल इसे सॉल्व करेंगे। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3k+18 इज इक्वल टू 6k-3, सिंपली k को एक तरफ 3k और 18 माइनस माइनस प्लस 3 एंड 6k-3k 6k-3k, तो 6k-3k becomes 3k एंड 18+3 becomes 21। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो k की वैल्यू हमें मिलेगी 7, 21/3 becomes 7, तो k की वैल्यू आ गई 7। तो k का हमें वैल्यू, k की ही वैल्यू पूछी गई थी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन है ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें पूछा गया है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिस इज, तो इसके आसान तरीका है देखना है मिडिल टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स 7, तो 7 का सम कहां से आएगा, तो डी ऑप्शन सी बी ऑप्शन और ए ऑप्शन में हमें 7 नहीं दिख रहा है, सी ऑप्शन में हमें 7 दिख रहा है, तो सी ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सॉल्व भी कर सकते हैं हम x²-7x+10, तो 7 के ऐसे फैक्टर तो हम चेक करके देख लेते हैं, ऑप्शन से भी चेक करके देख सकते हैं। तो 2 और 5 क्योंकि हमें 7 मिल रहा था तो सबसे पहले हम इसी को चेक करेंगे, तो x-2 कॉमन लिया, x-5 हमारा एक फैक्टर होगा, तो यहां से भी हमें दिख रहा है कि x-2 और x-5 हमारे फैक्टर्स हैं, जिससे हमें x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 5 मिल रहा है सॉल्यूशन, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर इज सी करेक्ट फॉर गिवन इक्वेशन गिवन पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें कहा गया है द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पासिस थ्रू पॉइंट, तो इसमें हमें सबसे पहले ग्राफ को प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में भी पढ़ा है हमने, क्लास 10th में भी पढ़ा है, तो क्लास ये हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो ये हमें कर्व फॉर्म होगा, तो हम -60, 0-30, 4-20 एंड 60 पॉइंट्स को जब प्लॉट करेंगे तो इससे हमें एक कर्व फॉर्म मिलेगा। कर्व स्ट्रेट लाइन भी अगर आप बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ ग्राफ बना के नहीं दिखाना है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, हम इसे सिर्फ हमें चाहिए जीरोज, तो जीरोज मतलब जहां पर ये जहां भी ये जो ये जो पॉइंट्स हैं ये एक्स एक्सिस को जितनी बार टकराएंगे वही उसके सॉल्यूशन होंगे, तो ये x एक्सिस को टकराता है -60 पॉइंट पे एंड 60,
हमें कहा गया है जीरोज, तो एक्स की जो वैल्यूज हैं वही हमारे जीरोज हैं, तो एक्स की वैल्यूज हमें गिवन है -6 और 6, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया क्योंकि एक्स की वैल्यू -6 और 6 है जहां ये एक्स एक्सिस पर टकरा रहे हैं, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो ग्राफ आप रफली बना सकते हैं, आसानी से आंसर निकलेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 हम कर चुके हैं पहले ही रूट की फॉर्म में जब हमारा क्वेश्चन था, सेम तरीके से हम इसे भी करेंगे कि अल्फा की वैल्यू हम नेगेटिव ले लेते हैं और बीटा की वैल्यू पॉजिटिव फॉर सेम रूट। सेम रूट के लिए हमने बताया था कि आप क्या करिए, सिंपली एक्स को इस अल्फा बीटा से रिप्लेस कर दीजिए और एक्स प्लस रूट 5/2 हो जाएगा हमें, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स माइनस रूट 5/2 से। तो ये हमारी आइडेंटिटी ए माइनस बी ए प्लस बी, जो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2। 2 को हम नीचे नहीं छोड़ेंगे तो हम इसे एलसीएम लेके 2x² - 5, ये हमारी क्या हो गई सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इस सिंपलेस्ट फॉर्म से हम चेक करेंगे ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, तो ऑप्शन ए मैच नहीं करेगा, ऑप्शन डी मैच नहीं करेगा, तो ऑप्शन सी और बी में हमें चेक करना है। तो 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऑप्शन बी दिख रहा है कि ऑप्शन बी इजिली आ सकता है, तो 4x² - 20 जो कि हमारी रिक्वायर्ड जो पॉलिनोमियल होगी वो इस इन रूट से, इन दो रूट से मिलेगी, दो जीरो से, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू x² - p x + 1 - c सच दैट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, α β + β + 1 = 0। अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, और हम इन क्वेश्चंस को अभी तक बिल्कुल दिमाग में बैठ गया होगा, इसके लिए हम पहले इक्वेशन को जो हमारी पॉलिनोमियल है उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जिससे हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू -5 एंड सी की वैल्यू -p - c, तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा c/a, दैट इज -p + c/a, एंड अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, -b मींस -p/1। अब हम इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं हमारी गिवन जो इक्वेशन फॉर्म हुई थी, -p + c/a प्लस अल्फा प्लस बीटा है हमारा प्लस p एंड प्लस 1, इसको पुट करने के बाद a की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 1 है, तो a की वैल्यू हम पुट कर देंगे, a को रिप्लेस कर देंगे 1 से, और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा -p - c + p + 1 = 0, पी इज विद अपोजिट साइन तो हम कैंसिल कर देंगे, -c + 1 = 0, इससे हमें मिलेगा c की वैल्यू 1। तो जो c की वैल्यू होगी इस पॉलिनोमियल में वो होगी हमारी 1, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 20, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर को हम कहते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी डिग्री कहलाती है। तो इसमें चेक कर लेते हैं, हाईएस्ट पावर हमारी 6, 3, 4, 1, तो हाईएस्ट क्या हुआ इन सब में, तो 6, तो 6 इज हाईएस्ट पावर इन दिस गिवन पॉलिनोमियल, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और भी चैप्टर से कोई डाउट है तो जरूर शेयर करिएगा।